बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद बाकर आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल थाल फूड सीक्रेट, और आज जो मैं रेसिपी लेकर हाजिर हूँ वो अफ्तार पार्टी की रेसिपी लेकर हाजिर हूँ। आज हम गांव की मस्जिद में अफ्तार पार्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और आज हम बीफ बना रहे हैं। अफ्तार पार्टी के लिए बीफ कैसे बनाया जाता है और ये बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकान के बटन को भी प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, शुक्रिया। पाँच किलो मेरे पास बीफ का गोश्त है। सबसे पहले इसे पतीले में शामिल कर लेंगे। एक किलो के करीब मेरे पास टमाटर हैं और आठ दस हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, ये शामिल कर लेंगे। एक किलो मेरे पास प्याज हैं, तो मैं ये अफ्तार के लिए बना रहा हूँ। मुझे ग्रेवी ज़्यादा चाहिए, इसलिए मैं मटेरियल ज़्यादा शामिल कर रहा हूँ। सभी चीज़ें शामिल करने के बाद एक बार मिक्स कर लेंगे। आग मैंने जला लिया है, चूल्हे पे पतीला चढ़ा लेंगे और इसमें दो गिलास पानी शामिल कर लेंगे और बीफ को गलने देंगे अच्छे तरीके से। दो गिलास पानी शामिल कर लेंगे। क्योंकि मैं ये रेसिपी अफ्तार के लिए बना रहा हूँ तो इसलिए बहुत ही कम मिसालों से तैयार कर रहा हूँ। दो चम्मच के करीब लाल मिर्च, धनिया पाउडर दो चम्मच, हल्दी डेढ़ दो चम्मच, नमक हसबे जायका बाद में चेक कर लेंगे। ये सभी चीज़ें एक साथ शामिल कर देंगे और इसे मिक्स करके ऊपर ढक्कन लगाकर इसे पकने देंगे तकरीबन 30 मिनट के लिए। जब तक हमारा बीफ का गोश्त मुकम्मल तौर पर गल नहीं जाता तब तक इसे पकाएंगे। अगर चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि सभी मिसालें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएँ। माशाल्लाह से अब ढक्कन मैंने उतार दिया है, गोश्त हमारा मुकम्मल तौर पर गल चुका है। थोड़ा थोड़ा पानी अभी बाकी है, इस पानी को खुश्क होने देंगे, ढक्कन उतार के रखेंगे ताकि पानी जल्दी जल्दी से खुश्क हो जाए। अफ्तार में से अभी 30 से 35 मिनट बाकी हैं, इंशाल्लाह इतनी देर में हमारा खाना भी तैयार हो जाएगा और अफ्तार का टाइम भी हो जाएगा। माशाल्लाह से पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका है। अब इस मौके पे कुकिंग ऑयल एक लीटर के करीब मैं शामिल करने लगा हूँ। कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। बीफ को ऑयल में जितना ज़्यादा भूनेंगे इसका टेस्ट उतना ज़्यादा डेवलप होगा। वीडियो को मुकम्मल वाच करें, इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आने वाला है। और ये भी देखें कि हम गांव वाले मस्जिद में अफ्तारी किस तरीके से करते हैं। मैंने पहले भी बताया है कि बीफ की जितनी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे इसका टेस्ट उतना ही ज़्यादा आएगा। अच्छे तरीके से भूनते हुए पकाना है और चम्मच को बराबर हिलाते रहना है ताकि नीचे से लग ना जाए। माशाल्लाह से देखें बीफ का कलर कितना प्यारा आ रहा है, बिल्कुल देगी स्टाइल का बीफ आज बन रहा है। माशाल्लाह से देखें जी, माशाल्लाह से बीफ को मैंने मुकम्मल तौर पर भून लिया है। ये देखें माशाल्लाह से ऑयल मुकम्मल तौर पर बाहर निकल चुका है।
माशाल्लाह से बीफ मुकम्मल तौर पर भुन चुका है। इस मौके पे मुझे जितना शोरबा चाहिए मैं वो शामिल कर लूँगा। एक किलो मेरे पास दूध है, मैं ये शामिल कर लूँगा और बाकी पानी शामिल कर लूँगा। दूध को छन्नी की मदद से छान लेंगे। शामिल कर लिया है दूध, मैंने शामिल कर लिया है, अब पानी शामिल कर लेंगे ताकि मस्जिद में अफ्तारी के लिए काफ़ी लोग होते हैं तो ताकि उनके लिए शोरबा अच्छे तरीके से बन सके और उनका खाना लग सके। पानी मैंने शामिल कर लिया है, अब इसे 10 से 12 मिनट पकने देंगे। जब तक शोरबा अच्छे तरीके से पक नहीं जाता इसे पकने देंगे। अब ऊपर ढक्कन लगा देंगे। माशाल्लाह से बीफ का सालन हमारा बनकर तैयार हो चुका है, दूध वाला शोरबा हमारा तैयार हो चुका है, ये देखें। अब गैस को बंद करने लगे हैं और पीसा हुआ गरम मसाला शामिल कर लेंगे। मिक्स पीसा हुआ गरम मसाला शामिल कर देंगे और ऊपर ढक्कन लगा देंगे। अभी अफ्तारी में से टाइम पड़ा है, माशाल्लाह से देखें जी, फाइनल लुक देखें माशाल्लाह से। दूध वाला बीफ वाला शोरबा हमारा कितना प्यारा बना है और कितना गाढ़ा बना है। माशाल्लाह से देखें बीफ का सालन हमारा कितना प्यारा बना है। माशाल्लाह से अफ्तारी हो चुकी है, अब सालन को बर्तनों में शामिल कर लेंगे।